असलम डर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद एजुकेशन पॉइंट तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बट आज हमारा पार्ट थर्ड है ऑलरेडी वी हैव डिस थर्टी क्वेश्चन ना वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चनज जो बचे क्वेश्चन हैं उनको हम आगे ले जाएंगे तो चलते हैं जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को अगर आप गौर से देखेंगे एन एल एम वॉज लॉन्च इन दर तो ये एन एल एम क्या है बेटा ये एक्चुअली प्रोग्राम है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है जो आपने ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया है आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अडल्ट एजुकेशन वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी बोला है तो चलते हैं जल्दी से एन का मतलब क्या है नेशनल लिटरेसी मिशन ये कब लॉन्च किया गया था इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड मई हालांकि मैं वहां पे लिख रहा हूँ फिफ्थ मे लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है फिफ्टींथ मई इसलिए ध्यान रहे इट इज नॉट फिफ्टींथ मई बट इट इज फिफ्थ मे तो फिफ्थ मे 1988 जो है इट इज़ ईयर जब एन को लॉन्च किया गया था चले हो गया ये एक क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 32 से गौर से देखेंगे बेटा इसमें चांसेस है क्वेश्चन आने का एन ए ई पी अगेन इट्स ए प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन अडल्ट प्रोग्राम एन ए ई पी का मतलब क्या है यहाँ पे एब्रीवेशन आई है मैंने वहां पे लिखा है एब्रीवेशन क्या है एन ए ई पी का मतलब क्या है नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हालांकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन बेटा आपको हमेशा याद रखना है एन ए ई पी का मतलब क्या है शबाश नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट बी रिमेंबर ओके तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में थर्टी थ्री पे द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर आपको पे, दो चीजें याद रखनी है जो इंडिया में सबसे पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी थी दैट इज बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और कब स्टार्ट किया था नाइनटीन हंड्रेड एटी टू में याद रहा याद रहा बेटा शबाश इसको याद करेंगे सो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन हंड्रेड एटी टू और वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी चले बेटा आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी पे चलते हैं हु एजुकेशन इज फॉर लाइफ बाई लाइफ एंड फॉर होल लाइफ ऑलरेडी मेरे वीडियो को आप बार बार रिपीटेडली देखा करो वहां पे मैंने लिखा है तो एम के गांधी इज द पर्सन हु सेड दैट अडल्ट एजुकेशन इज फॉर लाइफ बाई लाइफ एंड फॉर होल लाइफ ओके थर्टी फोर क्वेश्चन इज क्लियर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक साहब डिस्टेंस एजुकेशन मैंने बार बार डिस्टेंस एजुकेशन में भी अच्छे खासे लेक्चर्स दिए हैं वहां पे हमने जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कैरेक्टरिस्टिकी मैंने वहां पे कहा था कि डिस्टेंस एजुकेशन सबसे पहले नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और ये फ्लेक्सिबल भी है इकोनॉमिकल भी है और ये लर्नर सेंटर भी है हालांकि वहां पे तीनों ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द एबो है तो माई डियर थर्टी फाइव क्वेश्चन का ऑल ऑफ द एबो आंसर है यहां वो आपके पास बहुत सारे मतलब सीरीज के क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस को देखो मे बी आपका 35 क्वेश्चन कोई और होगा लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन इट इज ऑल ऑफ द एबो क्या-क्या ये फ्लेक्सिबल भी है इकोनॉमिकल है लर्नर सेंटर्ड भी है एंड इट इज अ नॉन फॉर्मल ये हमेशा याद रखेंगे बेटा चले हो गए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द मेन मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन वाज देखिए बेटा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं लेकिन बेटा जो अप्रोप्रेट ऑप्शन है ना बेटा ये डिस्टेंस एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कब लॉन्च किया गया ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने दो हमें वो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज करनी है उन लोगों के लिए हु कुड नॉट गो फॉर रेगुलर एजुकेशन राइट तो वो वो इंसान वो पीपल जो रेगुलर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक प्राउजन रखा गया दैट प्राउजन इज कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन तो अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस एजुकेशन का मेन मोटिव क्या था मेन मोटिव था कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु कुड नॉट गो फॉर रेगुलर एजुकेशन आई होप बेटा दीज सिक्स क्वेश्चन आर क्लियर टू यू कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बेटा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आप आराम से देखेंगे स्पेशल एम्फेसिस इन अडल्ट एजुकेशन इज ऑन द एज ग्रुप ऑफ बार बार मैंने कहा इट इज 15 टू 35 फाइव एज ये अडल्ट एज अडल्ट एजुकेशन किन लोगों के लिए है जिनकी एज 15 से लेकर 35 तक होगी तो स्पेशल एम्फेसिस इन अडल्ट एजुकेशन इज ऑन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 35 बेटा हमेशा याद रखेंगे हमेशा क्वेश्चन आता है और जब हम इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन के बारे में कहते हैं इसको एंड्रोगी कहते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है और ये भी क्वेश्चन आया है चले बेटा 38 अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को भी किया है एन ए पी का मतलब क्या है अभी मैंने आपको कहा नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया 1978 में ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे चलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन टू यस ऑफ़ कोर्स इट को नॉन फॉर्मल वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे right? मतलब आई है टी का मतलब क्या है टी तो टीएलसी का मतलब है टोटल लिटरेसी कंपेन चले बेटा क्वेश्चन नंबर 41 पे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द नेशनल लिटरेसी ऑफ इंडिया ऑफ नेशन वाज उ मच परसेंट यस आप आराम से देखते हैं इट इज सेवेंटी टू पॉइंट फिफ्टी परसेंट राइट फोर्टी टू क्वेश्चन पे आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन तो ये क्वेश्चन है यूके तो यू के में सबसे पहली फर्स्ट मतलब यूनिवर्सिटी वॉज इंट्रोड्यूसड इन यूके हा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अगर आप देखेंगे ये एक डेफिनीशन है फॉर एग्जाम्पल हुन इंक्लूड्स पॉलिटिकल एंड सिविक एज वेल एज मॉरल एजुकेशन याद रही इट इज़ के जी सही तो 43 जो डेफिनेशन है अडल्ट एजुकेशन की वो के जी सही ने दी है 44 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं इग्नो इग्नो का मतलब क्या है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर इट इज नाइनटीन हमेशा बेटा क्वेश्चन आता है इस पे तो इट इज तो इट इज क्वेश्चन नंबर

फोर्टी फाइव के बाद जो फोर्टी फोर्टी फाइव हाँ उसके बाद जो और एक क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस इज द मोस्ट शबाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस अभी हम फोर्टी फाइव तक हो गए तो चलते हैं बेटा आगे फोर्टी सिक्स टू सिक्सटी क्वेश्चन हाँ बेटा 46 के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उस पर बोर्ड पे नहीं लिखूंगा आप ऐसे इसको याद रखेंगे अगर आपके पास पेपर है तो पेपर सामने रखेंगे मैं एक, -एक करके इसके आंसर्स आपको देता हूँ तो चलते हैं बेटा मैं इसलिए करता हूँ बेटा आई एम रियली आई एम वेरी सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल सो दैट इज़ वाई मैं इस तरह से आपको बोल रहा हूँ लेकिन जो नेक्स्ट पेपर है इनशाला पूरी कोशिश करेंगे इसको भी रिवाइज करेंगे जिस तरह मैंने किया So to today, that's why I'm not in a position to show my face again today because really I'm not feeling well. ओके okay. तो चलते हैं अगर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन आप देख सकते हैं द मोस्ट अप्रोप्रियट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस अब जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये गाइडेंस के रिलेटेड है तो गाइडेंस मैंने आपको बार बार कहा है कि गाइडेंस को अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज जो गाइडेंस का है एंड दैट इज ऑफ कोर्स दैट इज द सेकेंडरी स्टेज तो याद रखेंगे फोर्टी सिक्स क्वेश्चन जो है ना द मोस्ट अप्रोप्रियट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस इज इट इज बेटर सेकेंडरी स्टेज ऑप्शन नंबर सी इज़ क्लियर ओके okay, फिर चलते हैं बेटा फोर्टी सेवन पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय हाँ बेटा तो ये कहां पे पढ़ा था किस कमीशन में पढ़ा था कि दियर मस्ट बी द गाइडेंस प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल ऑफ कोर्स इट इज कमीशन जिसका दूसरा नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन राइट ओके बेटा आफ्टर दैट 48 एट क्वेश्चन जो है अ टीचर डेली टॉक्स टू हिस्स स्टूडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ रीडिंग रूम लेबोरेटरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट देखिए उस गाइडेंस को क्या कहते हैं जिसमें टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन के बारे में सब कुछ कहे गाइड करे तो आप कोर्स इट रिजॉर्ड एजुकेशनल गाइडेंस तो पहला ही ऑप्शन राइट right है एजुकेशनल गाइडेंस देखिए अगर अगर टीचर स्टूडेंट को एडवाइस करता है किसके रिलेटेड एकेडमिक्स को रिलेटेड आप क्या सब्जेक्ट को कैसे पढ़ोगे लाइब्रेरी का कैसे इस्तेमाल करोगे टीचिंग लर्निंग मटीरियल का कैसे इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब यही है उसको एजुकेशन के रिलेटेड गाइडेंस देता तो एजुकेशनल गाइडेंस राइट ऑप्शन ओके okay, चलते हैं बेटा 49 पे इन काउंसलिंग द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट काउंसलिंग में मैंने बार बार आपको कहा है कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टू बिल्ड द रैपो जब हमारा रैपो रिलेशन जिप फील्ड स्ट्रांग होगा ना तब जाके हम काउंसलिंग अच्छा कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं फोर्टी नाइन इन काउंसलिंग द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट हाँ बेटा इट इज ऑप्शन नंबर सी रैपो विद द काउंसलिंग रैपो विद द काउंसली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैपो विद द काउंसली ओके तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 पे विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस सर्विसेज इज द वीकेस्ट फुटिंग इन इंडिया स बेटा इट इज इन फॉलो अप सर्विसेज फॉलो अप सर्विसेज इंडिया में वीक फुटेज है इंडिया में फॉलो अप सर्विसेज में है काउंसलिंग सर्विसेज ओके इंफॉर्मेशन सर्विस आल्सो देयर इंफॉर्मेशन सर्विस आल्सो दे बट फॉलो अप सर्विस को लेकर इंडिया में ये वीकेस्ट पॉइंट फुटिंग है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 51 पे आए गाइडेंस का मतलब क्या है ऑलवेज वो टॉकिंग गाइडेंस मीन डायरेक्शन एडवाइस असिस्टेंस इट इज ऑल ऑफ द अबो गाइडेंस मीन इज इट इज डायरेक्शन इट इज एडवाइस इट इज असिस्टेंस ओके नंबर फिफ्टी टू सिंथिसिस इज अगर आप अगर आपने सेटअप्स के बारे में पढ़ा होगा सिंथेसिस, यू नो एनालिसिस सिंथिसिस प्रग्नोसिस काउंसलिंग ये सारी चीजें हमने सेटअप्स में पढ़े कि एलिमेंट uh, में पढ़े सिट्स में पढ़े तो याद रखना है सिंथेसिस जो है वो सिट ऑफ काउंसलिंग है वो एलिमेंट या प्रिंसिपल नहीं है बेटा तो सिंथेसिस इज एटप ऑफ काउंसलिंग ओके छोड़ो चलते बेटा हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री आपके लिए है ये एक डेफिनेशन है काउंसलिंग मीन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इन विच वन पर्सन प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू अदर्स मेरे लेक्चर में जाकर देख लो मेरे वीडियो देखो शायद शायद ये डेफिनेशन मैंने वहां पे लिखी हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि फिफ्टी थ्री का क्या आंसर आएगा आई होप बेटा आप इसको लाइटली नहीं लोगे यू आर गोइंग टू डू इट ओके ओके माय डियर तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54 में ये भी क्वेश्चन ये भी आराम से आप वीडियो में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 अकॉर्डिंग टू कटेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द काउंसलिंग कटेल ने दो तीन एलिमेंट के बारे में बताया था कटेल ने कहा देयर मस्ट बी रैपो देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी स्ट्रक्चर एंड इंटरव्यू ऑफ द काउंसलिंग तो तीनों ऑप्शन इज करेक्ट है 54 का क्वेश्चन नंबर 54 इसका आंसर डी ऑप्शन है ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन 55 को थोड़ा बहुत मुझे मतलब मुझे लगता है कि ये फिफ्टी फाइव क्वेश्चन जो है द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोकेशनल गाइडेंस वॉज बैस्टन मुझे लगता है कि नाइनटीन हंड्रेड टेन में बट आई एम नॉट श्योर आप इसको भी चेक करेंगे फिफ्टी फाइव को आप चेक करेंगे द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोकेशनल गाइडेंस वॉज हेल्ड एट बॉस्टन इन नाइनटीन हंड्रेड टेन आई थिंक नाइनटीन हंड्रेड टेन इज द राइट आंसर ओके फिफ्टी सिक्स पे आते हैं द ऑफ डायरेक्ट काउंसलिंग अगेन बेटा मैंने अच्छी तरह से इसका वीडियो बनाया डायरेक्ट टू काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इलेक्ट्रिक काउंसलिंग डायरेक्ट टू काउंसलिंग में आप याद रखेंगे विलियमसन 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 तो डायरेक्ट काउंसलिंग वॉज गिवन बाई विलियमसन एंड नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स ये बेटा हमेशा याद रखना उसके बाद 57 पे आ जाते हैं विच हु फादर ऑफ वोकेशनल तो वोकेशनल गाइडेंस का फादर कौन है कौन है? बेटा, it is frank ये बेटा ये हमेशा याद तो फिफ्टी पे चलते हैं विच आर दर द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस भी हमने अच्छे खासे मतलब अच्छा खासा लेक्चर उस पर भी दिया था गाइडेंस सर गाइडेंस प्रिंसिपल है गाइडेंस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कोर्स इट इज अकॉर्डिंग टू

And question number 60, very, very easy.

अच्छे से पढ़ोगे बेटा आपको कम से कम कम से एट्टी परसेंट सिलेबस आपको ऐसे ही कवर हो जाएगा सो आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने पंद्रह क्वेश्चन बिना मतलब एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेन किए बिना बोर्ड पे लिखे मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह भी समझ आएगा आ, समझ आ गया होगा अगर रियली really ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा वंस अगेन आई एम वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट इज़ वाई आई हैव नॉट शोन यू माई द फेस एंड नीदर आई हैव रिटन एनी थिंग ऑन द बोर्ड हाफली आई हैव रिटन बट हाफ क्वेश्चन मैंने ऐसे एक्सप्लेन किए हो बेटा यू विल अंडरस्टैंड तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट आपका एग्ज़ाम अब आने वाला है मे अल्लाह सक्सीड यू इन ईच एंड एवरी स्टेप थैंक यू मे अल्लाह ब्लेस यू और अभी तक अगर किसी आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो शेयर करो शेयर करो थैंक यू मे अल्ला ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग